नमस्कार दर्शकों, इंडिया फर्स्ट न्यूज के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज का पंचांग। 24 सितंबर 2018 आज सोमवार का दिन है। पूर्वा भाद्रपद आज नक्षत्र है, साथ ही आज 14 तिथि है। लेकिन आज की जो 14 है, यह 14 श्राद्ध पक्ष जिनके यहाँ पहले शुरू हो रहा है उनके लिए आज ये पूर्णिमा होगी, इसलिए आज वह लोग श्राद्ध कर सकते हैं। अब देखते हैं आज आपका दिन कैसा रहेगा। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन शुभ फल को देने वाला है। उत्तम फल भी मिलेंगे और आपके कार्य भी बहुत जल्दी जल्दी प्रगति पर होंगे। आज मंगल शुभ स्थिति में है, थोड़ी सी तेज गति के साथ आपसे कार्य करा रहे हैं, लेकिन उसमें धन की उतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही है जितना आप चाह रहे हैं, इसलिए थोड़े से धन की व्यवस्था आज करके रखें, बेहतर होगा, काम आप अच्छे से कर पाएंगे। आज के शुभ दिन का उपयोग करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के व्यक्तियों के लिए अच्छा दिन है और मुझे लग रहा है आज वृषभ राशि के व्यक्ति कुछ आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करेंगे, अपने व्यवसाय क्षेत्र को भी बढ़ाएंगे, साथ ही मित्रों के कार्य भी संपन्न करेंगे। आज कुल मिलाकर दिन भर आप व्यस्त रहेंगे, लाभ उससे भी आपको अधिक कहीं मिलेगा, उससे मानसिक सुकून भी रहेगा। आज आपका दिन अच्छा रहे, भगवान शिव जी की आराधना करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है, लेकिन आज से 3 दिन आने वाले और अच्छे हैं, तो आप लंबे समय की योजनाएं तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा और व्यक्तिगत कार्य बहुत जल्दी संपन्न होने वाले हैं। आज आपका दिन अच्छा रहे, भगवान श्री गणेश जी के दर्शन सायंकाल अवश्य करें। कर्क राशि। कर्क राशि के व्यक्तियों के लिए आज का दिन वैसे अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, विशेषकर खाने पीने से संबंधित। दूसरा उन स्थानों पर नहीं जाएं जहां वायरल वगैरह फैल रहा हो, क्योंकि रेजिस्टेंस पावर 3-4 दिन आपकी थोड़ी सी कमजोर है, जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। लेकिन एक जगह बैठकर कोई कार्य कर रहे हैं उसमें आप सफल होंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे, जब आप घर से बाहर निकलें दाहिना पैर पहले बाहर करें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल है, परिस्थितियां बेहतर होती जा रही हैं और निराशा का भाव भी आशा में परिवर्तित हो रहा है। आज विशेष रूप से जिन कामों को आप करने जा रहे हैं उसमें जो तनाव आपके लिए छोटा छोटा आएगा, वह तनाव आपको मजबूती प्रदान करेगा, आप दृढ़ संकल्प से लैस होकर उस कार्य को संपन्न करेंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए सुबह जब भी आप जाएं भगवान सूर्य को अर्घ देकर जाएं। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है, उत्तम फलों की प्राप्ति का दिन है, कम मेहनत में अधिक सफलता का दिन है। आज आप सभी प्रकार के काम संपन्न कर सकते हैं। आज के दिन को और भी सुखमय बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज का काम थोड़ा सा स्लो रहेगा और हो सकता है सायंकाल कार्य बंद भी हो जाए, लेकिन 2 दिन बाद ये काम वापस शुरू हो जाएगा, इसलिए अधिक चिंता नहीं करें। तो आज का कार्य रुके नहीं, उसके लिए अपने मित्रों से थोड़ी सी सहायता लें। मित्रों से सहायता लेने में उनके घर जाना ही सबसे अच्छा आज उपाय रहेगा। और आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए मिठाई का वितरण करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत काम करने का अच्छा दिन है, नई जिम्मेवारियों को नहीं लेना चाहिए, खुद के काम को संपन्न करना चाहिए, साथ ही दोपहर के बाद जो समय अच्छा आ रहा है उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए कोई भी चांदी का छल्ला अपने सीधे हाथ में धारण करें। धनुराशि। धनुराशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा समय, मुझे लग रहा है 2 दिन आपके बहुत ही अच्छे होंगे, उसमें आप पूर्ण रूप से सफल होंगे, जिम्मेवारियों से मुक्त होंगे और व्यक्तिगत कार्य संपन्न करने में भी सफल होंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे, भगवान शिव जी का अभिषेक करके जाएं। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का वैसे दिन अच्छा है, लेकिन आप वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा, जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा और अपनी बात कहने से पहले एक सिस्टम तैयार करना होगा, उसके बाद अपना बात करें, आपकी बात खाली नहीं जाएगी। आज दिन अच्छा रहे, उसके लिए गीता का पाठ करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए योग संयोग तो अच्छे बनते हैं, लेकिन आज का दिन जल्दबाजी का बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। विद्यार्थी वर्ग भी जो आपसे बन सकता है उतना ही कार्य करें, अधिक के चक्कर में आज न पड़े, अन्यथा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, याद भी नहीं होगा, समय भी व्यतीत हो जाएगा। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर सुगंधित वातावरण बना रहे, उसके लिए इत्र लगाएं या फिर वहाँ पर अगरबत्ती जला सकते हैं। मीन राशि।
मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा खर्चीला है, लेकिन जिन लोगों से पैसे लेने थे उनसे भी पैसे आ सकते हैं, तो आय भी होगी खर्च भी होगा, लेकिन जो खर्च होगा अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और विशेष रूप से आज आप जिन कामों को करने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा अलग पैसा लग सकता है। आज हमें मेल प्राप्त हुआ शिव प्रसाद जी का रायपुर से। शिव प्रसाद जी, आपने जानना चाहा है कि आपको संतान प्राप्ति नहीं हुई है, शादी के 13 वर्ष हुए हैं और इसके लिए क्या उपाय करना है। शिव प्रसाद जी, आपका मेल आज ही हमने शामिल कर लिया, उसके पीछे कारण है कि कल से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है और श्राद्ध पक्ष में बहुत सारे उपाय ऐसे किए जाते हैं जो परिवार की उन्नति के लिए, धन के लाभ के लिए, भूमि के लाभ के लिए होते हैं। उन्हीं में से एक उपाय आज आपके लिए करना है। वह करना है कि श्राद्ध पक्ष जहाँ भी चल रहा हो वहाँ से यदि कोई देवज्ञ निकलते हैं उनको आप कुछ भेंट कर सकते हैं, नहीं हो तो किसी मंदिर में जाके किसी विद्वान को आप कुछ भी धन भेंट करें, इस बार धन अवश्य भेंट करें। और दूसरा, कल से श्राद्ध पक्ष के सामान्य तर्पण शुरू हो जाएंगे, तो कल से लेके 15 दिन तक आप लगातार तर्पण करें और अमावस्या के दिन किसी भी नदी के किनारे जाकर पिंडदान करें। ऐसा करने से 2019 में आपको उत्तम संतान की प्राप्ति हो जाएगी। मित्रों, यह थे आपके प्रश्न हमारे जवाब। अब देखते हैं आज का रामबाण। मित्रों, आज के रामबाण में हम बात कर रहे हैं श्राद्ध पक्ष से संबंधित। श्राद्ध पक्ष अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, उसमें देवलोक से अपने पितर अपने घर में खुशहाली या बर्बादी को देखने के लिए आते हैं। जैसे उनके कर्म होते हैं उसके अनुसार ही घर के वंशजों की स्थिति हो जाती है। कहीं गलत कर्म है तो दिक्कत आती है और अच्छे हैं तो लगातार प्रोग्रेस होती है। यदि किसी भी कंडीशन में हमें, चाहे बिल्कुल गरीबी में जूझ रहे हों चाहे बहुत अच्छी संपन्नता में चल रहे हों, श्राद्ध पक्ष को श्रद्धा के साथ 16 दिन तक मनाना चाहिए। और इन श्राद्ध को मनाने से घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य सही रहता है। विशेष रूप से घर में जिन महिलाओं का, गृहणियों का स्वास्थ्य सही नहीं रहता हो उन्हें तो आज के दिन विशेष रूप से श्राद्ध का कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य भी सही रहता है और साथ ही धनवन की भी कभी कमी नहीं होती है। मित्रों, यह था आज का रामबाण। मित्रों, आज का सुविचार है, आपने कहावत सुनी होगी, बीती ताही विसार दे आगे की सुदिले। उसका मतलब यही होता है कि जो घट गया उसको अब भूलो और नए सिरे से नए कार्यों को प्रारंभ करो। और यह एक नीति भी कहती है कि यदि आप बहुत अधिक किसी चीज़ से परेशान हैं और आप उसका कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसको पेंडिंग पटकना ही ठीक होता है। लेकिन गंभीर समस्या है तो उसका चिंतन किया जाए, उसकी चिंता नहीं की जाए। तो थोड़ा सा जो भी आप सोच रहे हैं यदि वह छोड़ने लायक हो तो सर्वोत्तम है, नहीं छोड़ने लायक हो तो उसका चिंतन करें ना कि चिंता करें। आपकी समस्या का हल बहुत जल्दी प्राप्त होगा चिंतन के माध्यम से, क्योंकि चिंता के माध्यम से समस्याएं बढ़ती हैं, चिंतन से समस्याएं समाप्त होती हैं। मित्रों, आज इतना ही। यदि आप भी हमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है astrologywithacharyarajesh@gmail.com। अब आप हमें आज्ञा दीजिए, कल पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल एंड ऑल नोटिफिकेशंस ऑन योर मेल। प्रेस द बेल आइकॉन ऑन YouTube ऐप एंड नेवर मिस एनी अपडेट।